दोनों चीजें मैं खिलाऊंगा आपको। क्या चीज, क्या चीज? अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहतमंद रखे, खुश रखे, शांत रखे, आबाद रखे। तो आज करते हैं हम ब्लॉग का स्टार्ट इन खजूरों से। अफ्तार के बाद चाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शरबत हो या ना हो अफ्तार में, लेकिन अफ्तार के बाद चाय जरूर मिलनी चाहिए। तो जी बन गई हमारी चाय। तो ये अली और अब्बू की चाय है, मेरा अभी नहाने जा रहा है, अभी पी रहा और मैं भी इनको देख के आके फिर अपने पीऊंगा। मुझे तो ये मैं अपने लिए निकाल दूँ चाय। ये मेरा कप जो है वो बड़ा है चाय का, और ये जो कप है ये मैंने अभी से मंगाया था जब लास्ट टाइम मदीना गया था, तो ये मेरे लिए लेकर आया था। ये 3 कप्स का सेट है, एक तरफ जो है खाने का बना हुआ है और एक तरफ बनी हुई है सब बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ये 3 कप तो एक टूट गया और ज़्यादातर मैं इसमें चाय पीती हूँ। तो सब बज रहे हैं 7:40 और हम बैठ के पी रहे हैं चाय और चल रही है ठंडी ठंडी हवा। अब हम फ्री हैं तो भाई चाय वाय हमने पी लिए और बज रहा है 8 और हमने कपड़े धोने। अब मैंने मशीन पर ले लिए तो कपड़े धोएंगे, ये लग गए। और जब बिलाल नहाने गया है, मुझे लगता है बिलाल नहा के आ रहा है। ये देखिए ऐसे आता है, ये देखिए ये दो दो तौलिया लपेट के और आता है। ये हमारा टब बन गया है, बाल्टी में कपड़े धुले रखते हैं, आप इनको धोना है। हम पानी में डाल के फिर फ्रायर में चला देंगे। मुझे लग रहा है मुन्ना आ चुका है। कल क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आने ये मुन्ना से बोलता है कि मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं जा रहा। हरी माई है, नहीं क्यों? तो ये हमारे कपड़े धुल गए हैं। शरबत पिया था। क्यों, क्या था आपके घर पे? क्या कह रही थी? वो बोलती नहीं है, मुर्गी तो जाती नहीं है, मुर्गी बांधती नहीं है। अच्छा वो आए थे छोर मचाती है। अच्छा ऐसी छोर मचाती है। चलो बिलाल चाचू से कहो आपकी चाय बन गई। तो भाई यहाँ पर धुल गए थे हमारे कपड़े फटाफट से और मगर ईशा की अजान हो गई है और ये बिलाल भाई पी रहे हैं बैठ के चाय और ये मुन्ना अपने पापा से जिद कर रहा है मोबाइल दो मोबाइल दो। ये मुन्ना, ये चाय कैसी बनाई है? जैसे तुम हो वैसी चाय। इतनी बुरी चाय बनाई है, ये देखें चाय का कलर ही देखें जरा कितना सुहाने वाला कलर हो रहा है। साला ना गर्म पानी पी रहा हूँ। ये भाई भाभी लेके जाती हैं झाड़ू, अब ये ईशा के बाद करेंगे सफाई। चब्बा जो है ये बैठ गई, चाचा जो बाहर के बैठने लगे इसलिए चब्बा कमरे में आके बैठ गई हैं अब्बू के पास और अम्मी पढ़ रही हैं ईशा की नमाज और अब हम भी चलेंगे ईशा की नमाज पढ़ने। जी मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ। आपने उधर रखा था? रखा था ना उधर। कहाँ रखा था? सर पे। सर पे? अच्छा अच्छा। और रोजे में क्या खाया? रोजे में वो खाया था क्या? मैंने पकोड़ा पिया था। अच्छा और मैंने शरबत पिया था और मैंने बर्फ खाई थी। अच्छा।
अच्छा आपने क्या खाया? पापा मुन्ना ने रोजा में क्या क्या खाया? चलें जी, हमने नमाज नमाज पढ़ी है, मतलब आप पढ़ेंगे हम कुरान शरीफ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम बैठ के पढ़ेंगे कुरान पाक। दोनों चीजें मैं कह रहा हूँ। हमारी पाए की दावत दो दिन के बाद की तो ऋशान भाई की। चलो मंडे मंडे लगा लो इंशाल्लाह। और आप क्या कह रहे हैं? आप जो बोलेंगे ये क्या बात है बताओ ना। पाए के साथ जितनी सारी चीजें होती है सही है। चलो देखते हैं। और बिरयानी क्या क्या सीन है की वाइफ से? वो बाद में। तो अभी यहाँ बैठ के प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग कि ये पाई खिला रहा है पीर को या इतवार को इंशाल्लाह। और उसके बाद यस पीर को खिला रहा है। तो अब देखें क्या होता है, कब खाएंगे। वैसे आज का प्रोग्राम था, आज का प्रोग्राम कैंसिल कैसे हुआ बताना जरा। ये बिरयानी का क्या है भाई? आज का प्रोग्राम कैंसिल इस तरह हुआ कि हम गए थे पाई के मुँह से ही, लेकिन वहाँ पर मेरे पाई वाले ने लगाया नहीं, इसलिए पाई का कैंसिल हो गया। फिर हम बिरयानी खा, और ये बिरयानी खा के आ गए। और हम यहाँ इंतजार करते रहे कि पाई खाने जाएंगे, और हमने सोचा था इसमें जाएंगे पाई खाने लेकिन जा नहीं सके। और अब देखें क्या होगा इंशाल्लाह आगे। तो अभी हम जा रहे हैं शालती, देखते हैं शालती को कुछ अभी अभी मिल जाए। चलो यार टाइम बहुत हो गया, अल्लाह करे खुली भी हो शालती। तो तुम चलाओगे ना? नहीं नहीं यार चलाओ आप। यहाँ चल रहा है क्रिकेट और इनकी वजह से पहुँचे तो मुझे लाइट बंद हो जाएगी। ये भाई माशाल्लाह से हैदराबाद की सड़कों पे ये बाइक से घूम रही है, रमजान मना रहे हैं ये लोग भी हैवी बाइक लेके। हाँ भाई सलमान कहाँ गए अपन? जा रहे तू यार। मामा आधा किलो देना रबड़ी, रबड़ी देना आधा किलो। हाँ बना रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ पहले। डिजिटल पराठा बना है इसको। चले जी भगवान आ गया, खाली हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया। चलो 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 तो हम आ गए घर कभी लेके, और ये घर जा रहे हैं अपने वापस। चले जी अब हम भी चलते हैं अपने घर। और ये हमारे सामने वाला घर माशाल्लाह तेजी से काम चल रहा है इसका। और रबड़ी लाने की वजह ये है कि मुझे लग रही है इस वक्त बहुत शदीद भूख। और अब देखो ये कुछ कर रही है किचन में यार, मुझे ना बहुत शदीद भूख लग रही है। क्या होगा मुझे दो बहुत शदीद भूख लग रही है 2:15 बजे। हाँ बस एक रोटी खाऊंगा मैं और थोड़ी सी रबड़ी खा लूंगा, और बस एक रोटी खा लूंगा, सालन खा लूंगा, रबड़ी खा लूंगा। ये क्या हो रहा है? ये दूध, ये जो कल लेकर आया था मैं वही। हाँ। लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे क्या हुआ तुम सामान लेकर आए नहीं लाए। तो एक हमारी है बाजी सवाजी, वो पूछ रही थी क्या तुम सामान लेकर आए जब तुम रोजा। मैंने कहा हाँ लेकर आए सामान बिल्कुल। देखिए मैंने रबड़ी भी दिखा दी है, रबड़ी भी लेकर आया हूँ मैं। तो चलें जी कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं। अपन अंडी खिला रखें। बहुत सारी धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो बिलाल को दे दिया है खाना और अब हम आ गए किचन में। और ये भगोना वगैरह धो के अभी फिर भुनेंगे आटा, उसके बाद दूध बॉईल करने लग दिया है। और ये हमारा पुदीना जो है वो गायों में के लिए रखा हुआ है। दिखाते हैं आपको। तो जी 2:15 बजते ही लाइट चली गई और यहाँ हमारा आटा गूंद रहा है। हम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं बनाना, मतलब पकाना नहीं, प्रिपरेशन जो भी है इसकी। जैसे आटा गूंद के रख लेते हैं, बॉइल चल रहा है, अंडे वगैरह फेंट के रख लेते हैं, सालन भी हो तो गर्म करना होती है, इस तरह फिर पानी रखते हैं। वो पकड़ नहीं होती जल्दी जल्दी वाला काम।
ये आटा गूंथ जाएगा और नींबू भी हो जाएगा अंडे को पेटते हैं वो लगता है। कपड़े तकरीबन सूख गए, मैंने सोचा था कि अबू कपड़े जो है वो अभी सीधी कर लूँ, लेकिन जो है वो सोचा और लाइट चली गई थी। तो चले फिर लाइट आएगी तो हमारे पास टाइम होता है। मैं आज थोड़ा सो गई थी एक घंटे के लिए ना, तो मेरी आवाज़ भारी भारी हो गई होगी, मैंने इतने दिन भी नहीं पढ़े, तो अभी नमाज भी पढ़ेंगे और जी काम हो जाएगा। अली कब तक आएगा? अच्छा पावर भाई का भी पता ही नहीं है, सदर की भी तबीयत पूछ ली है, आंखें वासी हो रही है उसको काफ़ी। चलो फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह। बिलाल तुम गए थे पावर भाई को देखने? मेरी सिस्टर के देवर के पाँव में फ्रैक्चर हो गया है, टमाटर लेके हम आ चुके हैं, अब उसको काटेंगे। ये आटा भी गूँ गया है, अंडे फिट चुके हैं, और ये जो है टमाटर एक ही लिया है, हरी मिर्च भी एक ही लिया है, क्योंकि भाभी कह रही है फिर वो मसला होगा और ज़्यादा रखेंगे तो मिर्च ज़्यादा ना लगाएं, तो दो हरी मिर्चें हमने रख दी हैं और एक काट ली। जब तक लाइट नहीं आ रही और भाभा तो आपको पता है माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त चल रही है, तो मैंने सोचा जब तक पूछा ही लगा दिया था थोड़ा सा बरामदे में, क्योंकि खुला हमारा बरामदा है सहन माशाल्लाह से, तो जो है मिट्टी भी घुमाती है, लगना शाम को सफाई वफाई कर ली थी रोजे से पहले, लेकिन जो है अभी फिर मुझे फील हो रही है नई मिट्टी हो रही है, तो अभी लाइट आएगी हम वहाँ पर बैठ के अफ्तार सहरी करेंगे। तो फिर चलो मैं लगा दूँ जल्दी जल्दी। अच्छा ये है मेरा नमाज का कॉर्नर, मैं यहाँ नमाज पढ़ती हूँ, तो हम नमाज पढ़ेंगे फिर मिलते हैं सहरी में। और हम चलते हैं किचन में, वो किचन में स्टार्ट हो चुकी है सहरी की तैयारी। ये चाय रखी हुई है, बने बनेंगे आप। तो अब बन रहे हैं हमारे यहाँ पराठे, गैस जबरदस्त आ रही है माशाल्लाह। अली आ गया? जी। बहुत कम ऑयल के हम पराठे बनाते हैं ताकि तहरी में आसानी रहे हजम होने में, खास तौर पे तो ये नाम के पराठे हैं, असल में ये रोटी ही है, इन पर हल्का हल्का घी लगा देते हैं हम बस, और ये फ्राई हो जाते हैं। जल्दी दो गोलियाँ हैं, ये अम्मी को सहरी में खानी होती है, ये मेरा बड़ी दोस्तों के साथ तुम्हारी पाए और बिरयानी के प्रोग्राम बन रहे हैं, घर वालों के साथ भी कोई प्रोग्राम बना लो, बटे और पाए और बिरयानी सारे प्रोग्राम अपने दोस्तों के साथ ही बना लोगे क्या तुम? अपने बटों का नहीं, बटे कौन खाता है? वो कहते रहते बटे या पाए, वो बता रहा था। अच्छा पाए का प्रोग्राम है तो हमारे दोस्तों के साथ बनाएंगे, दोस्त हैं क्या हमारी, दोस्तों के साथ बनाएंगे कुछ प्रोग्राम, घर वालों के साथ भी बना लो क्या, सारे दोस्तों के साथ बना लोगे? हाँ तो तुम बना लो, हम खा लेंगे, उन्होंने भी तो खाने की दावत दी है ना मुझे, तुम भी खाने की दावत दे दो। तो लेकर आ जाना, वो बना लेंगे हम। क्या पाए? हाँ तो ले आएंगे। कब लाओगे? अब मंगा लेंगे।
नहीं मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम लेकर आओ ना पाए। तो मैं थोड़ी लाके दे रहा हूँ उनको, तुमने सुना नहीं क्या कह रहा हो कि मैं अम्मी को लेके जाऊंगा तो फिर लेकर आएंगे हम। दावत दावत की पड़ गई क्या, हमारे साथ भी प्रोग्राम बना लो। पहले रोजे को मैंने बोला था मेरी रोजा कुशाई करो, कब करोगे रोजा कुशाई? रोजा कुशाई करेंगे हम, तीसरे रोजे को तुम्हारी रोजा कुशाई होगी इंशाल्लाह ताला। हैं? चले जी सायरन हो गए, एक मिनट रख गया बिलाल के पास, क्योंकि इसका भरोसा थोड़ी है, टूथब्रश तो सामने सामने कर लिया इसने। चलो पानी पियो, सुबह उठे हम तो ये कुछ खा रहा हूँ। अबे तुम ऐसा कर रहे हो, लोग समझेंगे मैं रोज़ रखता ही नहीं हूँ। लोग सही समझेंगे, जल्दी से पियो सायरन बज रहा है, शाबाश। चलो जल्दी से नियत कर लो, शाबाश। नहीं जल्दी जल्दी लेके एक दफा और कर लो, शाबाश। अभी सो गए सकंदर भाई, तो मैं शायद रमदान। कितने रोजे हो गए? चार हो गए। तीसरे रोजे की सैरी की है? हाँ मतलब तीन हो गए। हाँ कल चार हो गए जी इंशाल्लाह। चलो ये समझेंगे, मैं बाकी रोजे नहीं रखता। बिल्कुल सही समझेंगे लोग। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। चलें जी अब हो गया है सायरन, और चलें जी हो गया है सायरन और शुरू हो गया है हमारा तीसरा रोजा। अल्लाह पाक सबके घरों में रौनकों को बरकरार रखे, बीमारों को सेहत दे और परेशान हालों के हाल पर रहम फरमाए। इस दुआ के साथ हम आज के रखते हैं तीसरा रोजा और ख़त्म करते हैं अपने व्लॉग को। दुआ में याद रखिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you.